महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पे बताया है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4,579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1,016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3,076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी 7,276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है।